सुनिए जरूरी खबर। प्लैनेट अडोनिस जो सोलर सिस्टम को 10,000 साल के दौर में क्रॉस करता है वो इस महीने की 21 तारीख को धरती के करीब आने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लैनेट अडोनिस और दुनिया में एक किसी अद्भुत शक्ति के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। दुनिया भर के देशों के वैज्ञानिक इस अद्भुत शक्ति के बारे में पता लगाने में जुटे हुए हैं। भी सिनिस्टर प्लेनेट आसमान में प्रकाशित होगा, तब हमारे सूरज बली की मदद से नई दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। पेगासस ब्लेड है जिसमें असीम शक्तियां हैं। वो हमारी नई दुनिया के दरवाजे खोल सकता है। हमारे पूर्वजों ने हमसे यही कहा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये है हमारा पोसाइडन। हमारे सूरज बलि के नाम से हम अपनी नई दुनिया का दरवाजा खोलेंगे। जाग जाइए सूरज बलि, सूरज बलि अब जाग जाइए। आओ इसे अपने हाथ में ले लो। तुम एक चुने हुए योद्धा हो, सुना तुमने हेलियोस? सूरज बली अब हम सबके साथ है और जल्द ही हमारे सारे सपने पूरे होंगे। सॉल प्लेस की असीम शक्ति से हम बनाएंगे एक नया एटलांटिस। आकर इसे खा लो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। और ठंडा हो जाता तब खाते। ये लो पानी। गलती हो गई, मैंने इसे पानी की जगह विनेगर दे दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें देखकर देने नहीं होता। खेलो होगटो, खा लो इसे। अरे ये क्या कर दिया, मेरा वो जला दिया। तो थोड़ा सा विनेगर ले लो। चलो मजे करें। चलो हम तीनों स्विमिंग कॉम्पिटिशन करते हैं। तुम मुझे बिल्कुल नहीं हरा पाओगे जिंगा। ये तो वक्त ही बताएगा मसामुने।
ये तो चीटिंग है, मैंने स्टार्ट तो बोला ही नहीं। यस, हो गया तैयार। लहर आ रही है भागो। सूरज की रोशनी, बहुत मजा आ रहा है। अब चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका। 3, 2, 1 लेट्स रेस। पेगासस, दिखाओ अपना कमाल। सैजिटेरियो, कर दो धमाल। बीच पर ही मजा आ रहा था। जोर लगाओ और उसे हरा कर दिखाओ। हराऊंगा तो मैं तुम्हें। ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो देर किस बात की है, आ जाओ। मैं चैलेंज करता हूँ इस मुकाबले के लिए। अच्छा, चैलेंज एक्सेप्टेड। कितना मजा आ रहा है, मेरा प्लेट सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा है। क्या बात है। अब मजा आएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तैयार हो जाइए धमाकेदार मुकाबले के लिए। इस चैंपियनशिप में दो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और चैंपियन कौन बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरा नाम है ब्लेड और केन, और मैं हूँ ग्रुप बी का रेफरी। मैं आप सबको यहाँ की सारी खबरें देता रहूँगा। चलो खेल शुरू करो। चाहे कुछ भी हो जाए, गेम तो मैं ही जीतूंगा। मेरा बेबलेट है डार्क बुल। मैं किसी से कम नहीं, इस ग्रुप का विनर तो मैं ही बनूंगा। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपने बेबलेट का कमाल। अच्छा, पर मुझे भूल मत जाना, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं भी खेल सकता हूँ। मैं भी हूँ रेस में। जब मैं मैदान में आऊंगा तो सबकी छुट्टी कर दूंगा। ग्रुप बी में तो सब कच्चे खिलाड़ी लगते हैं, मैं सबको आसानी से हरा दूंगा। यूनिकॉर्न नो, दिखाओ अपना जलवा। स्पेशल अटैक लाइटनिंग वॉर ब्लास्ट। फैसला हो गया है, मासामुने वर्सेस बेंके की मैच का विनर बना है और कोई नहीं पर मासामुने। ओह नो, मैं तो हार गया, ये कैसे हो गया। आखिर हरा ही दिया ना। वाह, अब अगली बारी मेरी है। पर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मुकाबला किसके साथ है। जिसके साथ भी हो, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, अब होगा टीम ए का फाइनल मैच। ये मुकाबला घमासान होने वाला है, ये बात तो पक्की है। पेगासस, दिखाओ अपना कमाल। अकेला छोड़ना मत। देखो ना, मैं मैच हार गया, पर तुमने अच्छी कोशिश की थी। जिंगल सुबासा को ऑल द बेस्ट। शुरू करें, क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। पेगासस, दिखाओ अपनी ताकत। ये है मेरा स्पेशल अटैक, पेगासस स्ट्रॉन्ग। वाओ, फैसला हो चुका है और मैच का विनर है जिंगा। यस, मैं जीत गया। और मैं हार गया। क्या बात है, जिंगा फाइनल्स में पहुंच चुका है। और अब फाइनल मैच होगा ग्रुप ए और ग्रुप बी के विनर के बीच। और अब पेश है आपके सामने ग्रुप बी का विनर। हमारा स्टेडियम बहुत ही आलीशान है, ऐसा स्टेडियम आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। अब इसके दोनों डोम एक दूसरे के सामने आएंगे। वाह, ये कितना बड़ा है।
ग्रुप बी में मसामुने जीता होगा या यू? तुम्हें क्या लगता है? या फिर ऐसा हो सकता है कि बैंके जीता होगा। ये क्या? दर्द हो रहा है। ओह नो, ये क्या हो गया? बी ब्लॉक की हालत ये किसने की? बेंके, यू, मासूमों ने। दोस्तों, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा नाम क्या है? हेलियोस। हेलियोस? मेरे और यू के बीच मुकाबला चल रहा था और उसने अचानक आकर हम सबको जख्मी कर दिया। क्या कह रहे हो? बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ओ नहीं, उसने ये सब अकेले कर लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मकसद है तुम्हारा इसके पीछे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मकसद वो क्या है कि मेरा सॉल्वलेस अपना कमाल दिखाना चाहता था। क्या सॉल ब्लेज? तो बताओ, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, शुरू करो। क्या? लेकिन उसने मेरे दोस्तों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। मैं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। आज उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। संभल कर रहना जिंगा, उसका बेब्लेड बहुत ही शक्तिशाली है। कोई बात नहीं, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, मैं और मेरा पेगासस आज उसका नामो निशान मिटा कर रख देंगे। पेगासस? चलो फिर शुरू करते हैं फाइनल मैच। 3, 2, 1, लेट्स रन। दोनों की ताकत जबरदस्त है। पेगासस, छोड़ना मत उसे। वाह क्या बात है, पेगासस ने कमाल का अटैक किया। क्या हीलियोस का बेब्लेड टक्कर दे पाएगा? पर ये क्या, उस पर इतने हमले हो रहे हैं पर उसके चेहरे पर बिल्कुल टेंशन नहीं है। पेगासस ब्लेड जो हमारे लिए नई दुनिया के दरवाजे खोल सकता है। ये क्या? वो तो पेगासस की ताकत इस्तेमाल कर रहा है। ये तो कोई चाल है। मुझे लगता है उस सॉल ब्लेज का जरूर कोई ना कोई सीक्रेट तो होगा ही। ये देखो, इस तरह से सॉल ब्लेज अपने ट्रैक को बदलकर किसी भी वक्त डिफेंस टाइप से अटैक टाइप बन सकता है। इसका मतलब है जिंगा को डिफेंस टाइप के अटैक में रखने की उसकी स्ट्रेटजी थी। हाँ सच में ऐसा लग रहा है जैसे वो जिंगा की ताकत को नापना चाहता है। बस बहुत हो गया, अब हमला करो। पेगासस अटैक! वाह ये तो कमाल हो गया। देखो दोस्तों, पेगासस ने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। अब आएगा मजा। खेल अभी शुरू हुआ है, दिखा दो अपनी शक्ति का कमाल। ये कौन सा अटैक है? उसके फ्लेम शेप्ड वाले पहिए में कमाल की लचक है और उसके मेटल वाले पहिए जबरदस्त शक्तियों वाले हैं जो हर एंगल से अटैक करते हैं। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा है। क्या हुआ? बस इतना ही दम है तुम में? तुम्हें दम देखना है? अभी दिखाता हूं तुम्हें अपने बेब्लेड का दम। दिखाओ अपना स्पेशल अटैक पेगासस स्टारगेजर। मुझे मिल गया वो शक्तिशाली पेगासस जिसकी तलाश में मैं यहां आया था। सॉल ब्लेज, उसे चकनाचूर कर दो।
पेगासस खतरे में लग रहा है, ये नहीं हो सकता। देखते हैं आगे क्या होगा। चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। पेगासस! बर्निंग स्पेशल अटैक, ब्लेज एग्जीक्यूशन। यकीन नहीं हो रहा, इस मैच को जीतने वाले का नाम है हेलियोस। हेलियोस ने जिंगा को हरा दिया और वो बन गया है चैंपियन। जिंगा तो हार गया। ये क्या, मैं हार गया? पेगासस, मेरा मन भरा नहीं। क्या कहा? मुझे एक और मैच खेलना है। तुम्हारे पास जितनी ताकत है सब लगा दो। क्या हुआ, हार गए ना? अब पछतावा नहीं हो रहा? हो रहा है। मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं, पर पेगासस, तुम ये क्या कर रहे हो जिंगा? अगर तुम उसे चैलेंज नहीं करोगे तो फिर मैं करता हूं। सिर्फ अकेले? क्या, एक दो से लड़ने में क्या मजा? तुम सब साथ में आओ तब मजा आए। क्या क्या कहा तुमने? मैं उसके साथ मुकाबला करूंगा। तो मैं भी उससे लड़ूंगा। हमें हर हाल में उसे चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, हम सब मुकाबला करेंगे। नहीं, सब रुक जाओ, अब देर हो चुकी है। आओ, सबकी एक साथ छुट्टी करूंगा मैं। यूनिकॉर्नो, तुम सब को चकनाचूर कर दूंगा। लिब्रा, मेरा फॉर्को! यहाँ तो बहुत ही खतरा है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। रुक जाओ, अभी तुम्हें दिखाता हूँ, अब तुम नहीं बचोगे। मैं नहीं बचूंगा, या यूं कहो कि तुम नहीं बचोगे। अकेला, तुम अपनी हद पार कर रहे हो हीलियोस। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बदले के लिए। क्या? मैं यहाँ अपने पूर्वजों का बदला लेने आया हूँ, जिन्हें बेरहम इंसानों ने जिंदा दफन कर दिया था। मैं एक बार फिर से एटलांटिस को खड़ा करना चाहता हूँ। क्या, एटलांटिस? ये अटलांटिस क्या है? नहीं, कहानियों के हिसाब से कहते हैं कि वो एक प्राचीन सभ्यता थी जो रातों रात खत्म कर दी गई थी। जिंगा, तुम एक बात याद रखना, मुझे मुकाबला करना है सिर्फ और सिर्फ पेगासस से, और अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे दोस्तों को छोड़ूंगा नहीं। मैं कहता हूँ रुक जाओ। कोई रोक नहीं सकता। अब लड़ने में कोई मजा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पेगासस जख्मी हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके उसे ठीक कर दो, मेरे पास टाइम कम है। नहीं, बदमाश कहीं का, तुमने उसे इतनी आसानी से जाने कैसे दिया जिंगा? वो सिर्फ जिंगा से लड़ना चाहता है, मुझसे तो लड़कर दिखाए। उसका नाम हेलियोस है। हाँ, उसकी वजह से हमें मुकाबला रोकना पड़ा। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। ये नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या वो WBBA में रजिस्टर्ड है? नहीं है, और मुझे उसके सॉल ब्लेज होने की जानकारी भी नहीं मिल रही है। मैंने बहुत ढूंढा, पर ऐसा सच में हुआ था। उसने कहा था वो बदला लेने आया है, उसके पास बहुत शक्ति है, वो अटलांटिस को पुनर्जीवित करना चाहता है। अटलांटिस? हाँ। मुझे जल्दी से बताओ कि ये नाम तुमने कहाँ पर सुना है। हाँ, क्यों, क्या बात है डैड? मैं तुम्हें
अटलांटिस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, भूल गए? वो एक प्राचीन सभ्यता थी जो रातों रात बर्बाद हो गई और समंदर के नीचे समा गई। याद है मुझे। ये बुरी खबर है, वो एक बार फिर से अटलांटिस को बनाना चाहते हैं। अगर ये सच है तो फिर वो टूर्नामेंट में सामने क्यों आया? और वो जो उसके पास सॉल ब्लेज है वो क्या है? वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। हिकारू चेक करो। जी, मैं अभी सबकी अच्छी तरह से जांच करती हूँ। याद रहे, जब तक हमें सारी जानकारी नहीं मिल जाती कुछ मत करना, ध्यान रखना, कोई गलत कदम मत उठाना। बाय। वैसे भी जब तक पेगासस ठीक नहीं हो जाता मैं कोई सही कदम भी नहीं उठा सकता। अच्छा सुनो, पेगासस की हालत कैसी है? हालत बहुत ही खराब है, उसका पहिया टूट गया है और जो मेटल का पहिया है वो पिघलना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे गर्म आग में डाल दिया हो। मेरा गैलेक्सी पेगासस सबसे महान और शक्तिशाली माना जाता था। आखिर क्या राज है उस रहस्यमय ब्लेडर हीलियोस और अटलांटिस का? अगर हम चुपचाप बीच पर मस्ती धमाल करते रहते तो ये सब कुछ कभी भी नहीं होता। हे मधुका, लेकिन घबराओ मत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हारी पेगासस को मैं ही ठीक करूंगी। क्या हुआ जिंगा? तुम ही समझाओ उसे, ये समझता ही नहीं है। देखो ना कैसे जिद कर रहा है। मौसम उन्हें कह रहा है कि वो हीलियोस से बदला लेना चाहता है। मैं उसे इतनी आसानी से हमें हरा कर जाने नहीं दे सकता। मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके बेब्लेड को चकनाचूर कर दूंगा। मुझे काटता ही छोड़ूंगा नहीं। तो एक नंबर के डरपोक हो, इसीलिए ऐसा सब हुआ। तुम्हारे पेगासस को उसने चकनाचूर कर दिया, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? हा? चुप करो, तुम्हें मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। मैं उससे अपना हिसाब बराबर कर लूंगा, तुम अपने काम से काम रखो। तो फिर यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? उसे जाकर हराओ। मैं चाहूँ तो भी नहीं जा सकता, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, डराने वालों में से हूँ। रुक जाओ, ये हमारे काम करने का कमरा है, यहाँ पर झगड़ा करना मना है। अगर झगड़ा करना है तो यहाँ से बाहर चले जाओ। मधुका कितना चिल्लाती है, छोड़ो मुझे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाओ ना, रोका किसने? ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हीलियोस। पता नहीं अब ये लड़का क्या करने वाला है। पता नहीं उसे वो कहाँ जाकर ढूंढेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं हीलियोस कहाँ रहता है। उम्मीद करता हूँ डैड जल्द से जल्द हीलियोस के बारे में पता लगा लें। मधुका मुझे ये बताओ, मेरे पेगासस को ठीक होने में और कितना टाइम लगेगा? रिपेयर तो वो कल ही हो सकता है, पर अगर सच कहूँ और अच्छे से रिपेयर करना चाहूँ तो मुझे 2 दिन तो जरूर लगेंगे। 2 दिन? ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिरकार तुमने ढूंढ ही लिया जी। लेकिन हमारा मकसद पूरा करने के लिए आखिरी चीज बची हुई है, और हमारी दुनिया को फिर से बसाने के लिए हमारी ताकत काफी नहीं है। हमें उस पेगासस की सारी शक्तियां निकालकर अपने सॉल ब्लेज में डालनी होंगी। जो हुक्म। अच्छा हुआ मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा, कहना पड़ेगा वो सीक्रेट अड्डा कमाल की जगह पर है। डेथ कपरी, हम सच में वहाँ जाने वाले हैं? डरपोक कहीं के, अगर मैंने उस हीलियोस को हरा दिया जिसने जिंगा को हराया है तो मैं सबसे महान खिलाड़ी बन जाऊंगा, और मुझे आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है। सीक्रेट प्लान? हाँ, तुम बस देखते जाओ। Let it rip!
अजीब बात है, बहुत ही अजीब। मौसम बड़ा बेईमान होते जा रहा है, लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। शायद इसकी वजह से कोई अजीबोगरीब जीव है जो इस दुनिया में तबाही मचाने के बारे में सोच रही है। मैं आ गया, देखो देखो मैं आ गया, जरा देखो तो क्या हाल है दोस्त। काफी टाइम बाद मिल रहे हो, सब कुशल मंगल तो है ना? तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हीलियोस, मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंगा इतना बड़ा डरपोक निकलेगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही उसे ढूंढकर सबक सिखाऊंगा। हीलियोस कहाँ गया? हीलियोस कहाँ है? ओ नहीं, तुम कहाँ छुपे हो हीलियोस? बाहर आओ, मुझे तुमसे लड़ना है। मैं तुम्हें हरा कर ही दम लूंगा। बहुत जोश में लग रहे हो। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कहाँ है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो आखिर तुम कौन हो? दूसरी कैनी कैनी। सॉल ब्लेज, हीलियस, वो आखिर है कौन? क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कब से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? क्या तुम्हें पक्का पता है कि हीलियोस कहाँ पर है? जल्दी बताओ मुझे, सुना नहीं? क्या तुम अब अपनी बक बक बंद करोगे? बेईमान मौसम के अजीबोगरीब जीव और वो रहस्यमय ब्लेड, मैं सब जानता हूँ। मुझे पता है कुछ तो बुरा होने वाला है और मैं सब ठीक कर सकता हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम हीलियोस को हराने के लिए इसे क्यों ले जा रहे हो साथ में? हाँ, क्योंकि डेथ कपरी ने कहा था कि ये बंदा काम का है। क्या कहा डेथ कपरी? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बहुत सुन ली तुम्हारी बकबक। अब जल्दी से बताओ कि हीलियोस कहाँ पर है? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उस हीलियोस से बदला लेना चाहता हूँ। जल्दी बताओ मुझे। तुम्हें पता है क्या, मुझसे जो टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है, समझे कि नहीं? तुम होश में जोश खो रहे हो, अपने मुंह पे ताला क्यों नहीं लगा देते? थोड़ी देर चुप रहो। क्या कहा? जो तुमने सुना। ए, देखो हम मंजिल पर पहुँच गए हैं, प्लीज लड़ना बंद करो। हीलियोस मिल गया, चलो जल्दी, कहीं वो चला ना जाए। हे, रुक जाओ। सर, कोई आया है। आने दो, शिकार खुद चलकर जाल में फंसने आ रहा है। तुम तैयार हो ना? अब तुम्हारी बारी है हीलियोस, वक्त आ गया है, उन्हें हरा दो और पेगासस की शक्ति हासिल कर लो और उसे सॉल ब्लेज में डाल दो। हमारे पूर्वजों पर हुए अत्याचार को कभी भी मत भूलना, उनसे बदला लेना है, हमारा खोया हुआ वक्त हासिल करना है, हमें फिर से अपनी खोई हुई दुनिया को बसाना है। मैं सब समझ गया मास्टर बकेम। हमारी दुनिया बसाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये क्या, ये मैं कहां गया? पेगासस, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो पेगासस। कैसे हो तुम, तुम्हारी चोट कैसी है? अगली बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है पेगासस? क्या हुआ पेगासस, आखिर बात क्या है? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मैंने ठीक कर दिया। मम्मा, रुक जाओ पेगासस का।
पेगासस कहाँ पर है? ओ नहीं, लगता है तुम सपना देख रहे थे। पेगासस यहाँ पर है, ये देखो, ठीक हो गया। पेगासस, ओह सॉरी सॉरी, मैं बैठे बैठे सो गया। आई एम रियली सॉरी। हाँ अब तो ये लड़ने के लिए तैयार है ना? हाँ, मैंने अभी तो कहा कि ये पूरी तरह से ठीक है, सिर्फ तुम्हारी मदद की वजह से ही मैं इसे जल्दी से ठीक कर पाई हूँ जिंगा। पेगासस मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ तुम ठीक हो गए पेगासस। जिंगा तुम सुन रहे हो? हाँ बोलिए डैड। माफ करना हमें देर हो गई, उसके बारे में जानकारी मिल गई है। हिकारू जी, अटलांटिस एक प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी और ये बात हम तुम्हें एक बार पहले भी बता चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बतानी है। कहते हैं कि जो चीज उसे चलाया करती थी उस चीज का नाम था ओरिहाल्कन। ओरिहाल्कन? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। वो एक सीक्रेट मेटल है जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ है ना? बिल्कुल, वो उनके लिए बहुत जरूरी था। जब अटलांटिस हुआ करता था तब ओरिहाल्कन की मदद से वो हमारे मॉडर्न मेटल के पहिए जैसे स्टील विंग से ब्लेड बनाया करते थे। इसका मतलब है कि बेब्लेड सिर्फ अभी का नहीं है, वो अटलांटिस के जमाने से हुआ करता रहा है। यानी दुनिया के लिए ये एक बुरी खबर है, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आखिरकार हम पहुंच ही गए। हम पहुंच तो गए लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। ये क्या बड़ी अजीब बात है? हा? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये आइलैंड तो पापियों से भरा पड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। वो हीलियोस है। ये क्या हो गया? उसे पता था हम आ रहे हैं? वो गुस्से में लग रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उनके जमाने में भी ब्लेड हुआ करता था? अगर ये कहानी सच है तो फिर ऐसा हो भी सकता है। असल में कोमा गांव की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हाँ? आज से कई साल पहले भी बेब्लेड्स हुआ करते थे। कोमा गांव में एक कबीला हुआ करता था जो अच्छे बेब्लेड्स की रक्षा करता। ये कोमा गांव के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मुझे उस कबीले की जानकारी मिली है। मैं बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। कबीले को रातों रात लूटा गया और उसे बर्बाद कर दिया गया था, हमेशा हमेशा के लिए। कहा जाता है कि अटलांटिस को भी इसी तरह से रातों रात तबाह कर दिया गया था। क्या बात कर रही हो? वो अटलांटिस ही था जिसने ओरिहाल्कन बेब्लेड को बनाया और कोमा गांव के सबसे शक्तिशाली बेब्लेड को चुराया गया। अगर ये सब सच है तो हमारे दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा। अटलांटिस को रातों रात किसने तबाह किया? जरूर ओरिहाल्कन ने किया होगा, यानी सॉल ब्लेज ने। हो सकता है कि उस अद्भुत शक्ति और उसका आपस में कोई कनेक्शन हो। देखो ये बात हम पक्का नहीं कह सकते, पर ये बात सच है कि ओरिहाल्कन खतरनाक है। अगर उसकी बुरी शक्तियों को आजाद कर दिया गया तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। हीलियोस कह रहा था कि वो अटलांटिस को फिर से बसाना चाहता है ना? पर ऐसा है तो वो इतना खतरनाक तरीका क्यों अपना रहा है? सही कहा। और वो शैतान पेगासस से क्यों मुकाबला करना चाहता है? इस बात का जवाब हम भी नहीं जानते हैं। हम अपनी जांच को जारी रखेंगे, पर तुम्हें तब तक संभल कर रहना होगा। जैसे ही हमें कोई जानकारी मिल जाएगी तुम्हें बता देंगे। इसका मतलब ओरिहाल्कन और दुनिया की तबाही। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। अब मेरी बारी, दम है तो मेरे पाइसेस को हरा कर दिखाओ। इस दुनिया में चाहे कोई भी इससे मुकाबला करे, वो किसी भी हाल में मेरे पाइसेस को मात नहीं दे सकता है। अब देखो मेरा स्पेशल अटैक, डिस्टॉर्शन ड्राइव।
अब आने वाला है असली मजा। मेरे थर्मल स्पाइसेस का चमत्कार देखा, तुम बस देखते रह जाओगे। लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। वक्त रहते निकल जाओ। ये सब झांसा है। वो वहाँ आखिर कर क्या रहे हैं? ये अच्छी बात है, जब डिस्टॉर्शन ड्राइव उस पर हमला करेगा तब हमें मौके पर चौका मारना होगा। क्या कहा तुमने? जब सॉल ब्लेज दूसरा डायमेंशन ले रहा होगा तब हमें मौका मिलेगा उस पर हमला करने का, क्योंकि बदलते वक्त उसमें उतनी शक्ति नहीं होगी जितनी घूमते वक्त होती है। क्या बात है, ये तो अच्छा प्लान है। इसका मतलब ये है कि मुझे चौकन्ना रहना होगा, मौका कभी भी मिल सकता है। टाइमिंग वा कोच दे ओशेरु गानी। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है। सॉल ब्लेज में कितनी भी ताकत हो, जब वो पाइसिस और यूनिकॉर्नों से लड़ रहा होगा तब वो कमजोर हो जाएगा, और मैं मौके का फायदा उठाकर यहाँ से उस पर मेरा स्पेशल अटैक करूँगा जो है कैप्रिकॉन डेथ किक आउट, और उसे हरा दूंगा। और उसे भनक भी नहीं होगी कि कोई इतनी ऊपर से उस पर हमला कर रहा है। मैं आसमान से एक तीर से दो नहीं बल्कि 100 शिकार करूँगा। खत्म करो उसे पाइसिस। गलती कर दी तुमने। ये क्या, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे झांसे में इतनी आसानी से आ जाऊंगा? ओ नहीं, ये क्या हो रहा है? उसके वेव के शेप वाले पहिए हवा का रुख बदल रहे हैं, कहीं मेरा डिस्टॉर्शन ड्राइव अटैक ठीक आना पड़ जाए। तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, मेरे पास दुनिया का शक्तिशाली सॉल्व ब्लेड है। ये लो। हमला करो। हाँ समझ गया। क्या? मुझे तुम पसंद नहीं, और ना ही तुम पसंद हो। उसने मुझे देख लिया। डेथ कॉपरी, तुम धोखा दे रहे थे, तुम फरेबी हो, तुम योद्धा के नाम पर धब्बा हो। तुम जैसे धोखेबाजों की वजह से ही हमारा एटलांटिस नष्ट हो गया। क्या बात है बेटा? मास्टर बेकिम, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। क्योंकि मेरी मेहनत बेकार हो रही है। अब तक तुम इसे चलाना क्यों नहीं सीखे? देखो बेटा, अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। चिंता मत करो, तुम सीख जाओगे और फिर जल्द ही हमारे सूरज बलि तुम्हारे सामने प्रकट होंगे बेटा। और वो मुझे असली वाला देंगे ना, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था? बिल्कुल। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। मास्टर बकिम, हमारे देश को किसने तबाह किया बताइए ना। हमारे देश को तबाह करने वाले दुष्ट पापी इंसान थे। दुष्ट पापी इंसान? और फिर उन लोगों ने शक्ति को पाने की लालच में हमारे देश को तबाह कर दिया। एटलांटिस पर कुछ दुष्ट इंसानों ने हमला किया और उसकी असीम शक्ति जो ओली होरकन से मिलती थी उसे छीनने की चाह में बर्बाद कर दिया। इंसान लालच, जलन और धोखा देने में माहिर होते हैं। उन्होंने हमसे हमारा ओली होरकन छीन लिया और हमारे पूर्वजों की जान ले ली और सुख शांति भी छीन ली। मास्टर, हम उनसे बदला जरूर लेंगे। लेकिन हमारे पूर्वज हमारे लिए एक उम्मीद की किरण छोड़ गए। अब उसकी मदद से हमारे पूर्वज पर हुए जुल्म का बदला लूंगा और एक नया एटलांटिस खड़ा करूंगा। सॉल ब्लेज की मदद से नहीं। तुम सबको मजा चखाने के लिए मैं आ गया हूँ। तेरे सॉल ब्लेज की शक्ति से मैं एक नया एटलांटिस खड़ा करूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? जानवर, पेड़ पौधे, प्राचीन चीजें रखी हुई है। ये कौन सी जगह है? हाँ,
ये तो बहुत शांति है यहाँ। लगता है जिंगा का बेब्लेड अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। मुझे तो टेंशन हो रही है। मुझे माफ करना, पर जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना। मैं तो ठीक हूँ, पर इसे थोड़ी ज्यादा चोट लगी है। हमारी मदद कर। जरा संभल कर। क्या तुम सबको हीलियोस ने हरा दिया? बहुत बुरा हुआ। आखिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि ये चेतावनी है। चेतावनी है? उसने आज रात तुम्हें समंदर किनारे मिलने बुलाया है। क्या कहा? हीलियोस ने मुझे ये बात तुमसे कहने को कही थी। कैसी चेतावनी? तुम अब क्या सोच रहे हो जिंगा? मैं जाऊंगा, मैं वहां जरूर जाऊंगा। मैं यूं ही यहां हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता। रुक जाओ, अगर सॉल ब्लेज की बुरी शक्तियों ने हमला किया तो बहुत ही बुरा होगा। इसलिए मधुका, मैं वहां जाऊंगा। मैं उस खतरनाक चीज को हमारी दुनिया बर्बाद करने नहीं दूंगा। मैं उनके मकसद को कामयाब होने नहीं दूंगा। मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। जिंगा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। मैं भी साथ चलूंगा। मुझे भी उससे अपने जख्मों का बदला लेना है। मैं भी आऊंगा। तो चलो फिर, मैं भी आती हूँ। क्या तुम सच में आना चाहते हो मसामोने? मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। ये हमला करने आए? नहीं, हीलियोस के लोग हमें लेने आए होंगे, क्योंकि उनका सीक्रेट अड्डा समंदर के बीचों बीच है। वो वक्त जल्द ही आने वाला है जब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। स्वागत है जिंगा। हाँ? आखिरकार हमारा मकसद अब जरूर पूरा होगा। सबसे पहले हमारे सूरज बलि को सॉल ब्लेज का प्रणाम कहो। हमारे सूरज बलि प्लेनेट अडोनिस के पास जाएंगे और हमारे नए राज्य का जन्म होगा। क्या कहा तुमने? दुनिया में जो भी अद्भुत शक्तियाँ मंडरा रही हैं, वो हमारे सूरज बलि को पुनर्जन्म देंगी। ये क्या कह रहे हो? सारी अद्भुत शक्तियों की वजह से दुनिया में ऐसा हो रहा है जैसा मैंने सोचा था, और ये हालकन की वजह से ये सब हुआ। हमारे पूर्वजों की भविष्यवाणी की वजह से हमें एटलांटिस का मंदिर मिला, जहाँ हमारे सूरज बलि का स्थान था। हमारे सूरज बलि ने एक नन्हे बालक को चुना था जो उसकी असीम शक्ति को संभाल सके। हीलियोस है जो हमारा भविष्य उज्जवल करेगा और एटलांटिस को फिर से खड़ा करेगा। एटलांटिस को फिर से खड़ा करेगा? ये क्या बकवास कर रहे हो? और आखिरी शर्त ये है, मुझे पेगासस के विंग्स चाहिए जो तुम्हारे पास है। पेगासस के विंग्स? हमारे एटलांटिस पूर्वज जाते जाते हमसे कह गए थे, पेगासस की असीम शक्ति और उसके विंग्स की मदद से हमारी दुनिया का द्वार खुलेगा और वो हमारी एक नई दुनिया होगी। सूरज बलि को जगाने और एटलांटिस को फिर से खड़ा करने के लिए हमें चाहिए होगा पेगासस और उसके विंग्स, तभी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। तुम्हारे पूर्वज तुमसे कुछ भी कह गए हो, लेकिन उनकी बात मानकर भी तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होने वाला। क्या कहा? सूरज बलि को फिर से जगाने से एटलांटिस फिर से खड़ा नहीं होगा, बल्कि उससे ये दुनिया तबाह हो जाएगी। और ये हालकन बहुत ही खतरनाक है। तुम जो कह रहे हो उससे बुरी और अद्भुत शक्तियाँ दुनिया भर में फैलकर तबाही मचा रही हैं। इसका मतलब समझ रहे हो ना तुम? मतलब तुम्हें अब तक समझ नहीं आया क्या? और ये हालकन की बुरी शक्तियों की वजह से ही एटलांटिस तबाह हुआ होगा। पता नहीं ये बात समझने में तुम्हें और कितना वक्त लगेगा। बकवास बंद करो। ये तुम कैसे साबित कर सकते हो? वो दरअसल इस बारे में हमारी टीम जांच कर रही है। हमारे सूरज बलि जो हमारी रक्षा करते हैं, वो एटलांटिस को कैसे नष्ट करेंगे? सुनो हीलियोस। जी। इनकी बातों का यकीन मत करो, हमारे पूर्वजों का कहा सच है। जी समझ गया मास्टर। हीलियोस,
हमारे एटलांटिस को तुम्हारे दुष्ट पूर्वजों ने लालच में आकर बर्बाद कर दिया और तुम हमारे देवताओं पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारा झूठ नहीं सुनना मुझे। पेगासस की ताकत मेरे हवाले कर दो। तुम बहुत जिद्दी हो, चाहे जितना भी समझा लो ये नहीं समझने वाला है। तो फिर अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए मसामुनि। तो फिर इस बार इसे मैं संभालता हूँ। रुक जाओ, तुम लड़ने की हालत में नहीं हो। मैंने तुम्हें बचने के बहुत मौके दिए। मसामुनि, रुक जाओ, यूनिकॉर्न जख्मी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, प्लेन एग्जीक्यूशन। सैजिटेरियो, डार्क बुल, लिब्रा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जिंगा। मैं तुम्हें हराकर अपनी नई दुनिया एटलांटिस को खड़ा करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो ना? तो आओ, आज फिर दोनों के बीच मुकाबला हो ही जाए। अरे वाह, अब ये हुई ना बात। अगर मैंने तुम्हें मुकाबले में हरा दिया तो तुम्हारी सारी शक्तियां मेरे सॉल ब्लेज में आ जाएंगी। अगर हिम्मत है तो मुकाबला करो और जीत कर दिखाओ। मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। आ जाओ, मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हारने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी अगर हमारा एटलांटिस नहीं होता तो तुम्हारी ये दुनिया नहीं होती। अब मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा, तुम्हारा नामो निशान मिटा के रख दूंगा। बंद करो बकवास, तुमने हम सबको परेशान कर रखा है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलवाऊंगा। चलो मुकाबला शुरू किया जाए। हीलियोस, नहीं रुको, मुकाबला मत करो। वो पेगासस की शक्तियों का बुरा इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। कोई बात नहीं, इस मुकाबले में मेरी ही जीत होगी। मेरा बेब्लेड उसके बेब्लेड से नहीं हारेगा। अगर तुम्हारे पास सूरज बलि का सॉल ब्लेज है तो मेरे पास भी गैलेक्सी पेगासस है जो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। लगता है अब बनेगी बात। क्या तुम तैयार हो? बोलो हीलियोस। शुरू करो जिंगा। लेट इट रे। कम ऑन पेगासस, अपना कमाल दिखाओ। चलो जाओ, उसे सबक सिखाओ। बढ़िया है, मारते रहो। सॉल ब्लेज। उसने रूप बदल लिया है। कोई बात नहीं, मैं इन छोटी छोटी चीजों से डरने वाला नहीं हूं। यही तो मैं चाहता हूं। पेगासस, बहुत अच्छे। पेगासस स्टॉर्म रेडर। अब तो फाइट में मजा आ रहा है। बहुत हुआ, अब तुम्हें दिखाता हूँ सूरज बलि की शक्ति जो तुम्हें जलाकर खत्म कर देगी। क्या हुआ, डर गए क्या? पेगासस जो पेगासस स्टारगेजर। पहली वाली तकनीक इस पर काम नहीं कर रही है।
वो पहले जैसा नहीं रहा। मुझे सॉल ब्लेज का सीक्रेट पता चल चुका है, इसलिए मैं नहीं हारूंगा। हम अपनी दुनिया को बचा लेंगे, उस आग को अपनी विंग से बुझा देंगे। अब बस तुम्हारा खेल खत्म, जाओ पेगासस हमला करो। इसे हराना इतना आसान नहीं है। अब तुमने अपनी असली ताकत दिखाई है जिंगा, तुम बहुत स्ट्रांग हो। और तुम भी हीलियोस। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अटलांटिस को पुनर्जित करने के लिए पेगासस के विंग्स क्यों चाहिए। हाँ? क्योंकि तुम्हारा पेगासस बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वो अच्छा, इसीलिए मैंने तुमसे मुकाबला करने के लिए कहा था। मैं तुम्हें हराऊंगा और तुम्हारी शक्तियां छीन लूंगा और तब मेरा बदला पूरा होगा और तब जाके हमारा एटलांटिस आबाद होगा और तुम सब बर्बाद होगे। तुम एक बात समझ लो, मेरे पास पेगासस है और उसके होते हुए हमें कोई मात नहीं दे सकता। मैं अपने दोस्तों के लिए तुमसे मुकाबला करूंगा और तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा हीलियोस। तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। अगले अटैक में पता चल जाएगा कौन शक्तिशाली है। ये क्या, आसमान में तो बादल गरज रहे हैं। क्योंकि सॉल ब्लेज की शक्तियाँ बढ़ रही है, इसीलिए वो बुरी ताकत सब जगह फैल रही है। उनसे हार मत मानना जिंगा, ऐसे ही चलता रहा तो हमारी धरती भी उनके अटलांटिस जैसे खत्म हो जाएगी। सॉल ब्लेज को रोको। देख क्या रहे हो हीलियोस, हमला करो। मॉर्निंग स्पेशल अटैक ब्लेज एग्जीक्यूशन। पेगासस अपना कमाल दिखाओ। ये मेरे पेगासस की पूरी ताकत का नजारा है। अब देखो स्पेशल अटैक गैलेक्सी निनोवा। जिंगा ने कर दिखाया, वो उसे जीत गया। हरा दिया जिंगा। जिंगा जीत गया, उसने हीलियोस को हरा दिया। यानी अब कुछ नहीं होगा, हमारी दुनिया बच गई। मैं हार गया। जिंगा जीत गया, मैंने उससे लड़ने में पूरी शक्ति लगा दी, इसलिए मुझे पछतावा नहीं है। पर अब अटलांटिस कैसे खड़ा होगा। हीलियोस! मास्टर बकिम, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। तुमने कर दिखाया। देखो, हमारी नई दुनिया के दरवाजे खुल गए हैं। मिशन था पेगासस से उसकी शक्तियां निकालना, फिर चाहे जीत किसी की भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? कौन जीता इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल ब्लेज तो बस एक बूस्टर है जो ओरी हालकन की ताकत को बढ़ाता है। जब पेगासस और सूरज बलि दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं तब ओरी हालकन की शक्तियां बढ़ जाती हैं और उन शक्तियों की मदद से वो एडोनिस को अपने पास बुलाता है और धरती पर उतारता है। यही मेरा मकसद था। ये क्या कह रहे हो? ओ नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो धरती
कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। एटलांटिस के तबाह होने के बाद हमारी जाति का नामो निशान मिट गया। ये सब झूठ है। अब हम सबको खत्म करेंगे और अपने हाथों से अपना एक नया एटलांटिस खड़ा करेंगे। एडोनिस के साथ इस नकली दुनिया का भी नामो निशान नहीं रहेगा। मुझे धोखा दिया। उसका दिमाग खराब है। तुम भी याद रखो, अगर तुमने धरती को खत्म कर दिया तो हमारे साथ साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। हमें कुछ नहीं होगा। ये जो एक्रोपोलिस शिप हमने बनाया है, ये किसी भी तरह के झटके को सह सकता है। हम इसमें सलामत रहेंगे। शिप में? हाँ, इस शिप को हमने इसीलिए बनाया था ताकि जब एडोनिस प्लेनेट धरती से टकराएगा तो हम इसमें जिंदा बच सकें। तो ये सब तुम्हारी एक सोची समझी चाल थी? मुझे फंसाया गया। मैं इस नई दुनिया का राजा हूँ और यहाँ पर अब सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा और मैं इस धरती का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, समझ आ रहा है तुम्हें? सुनो, तुम भी चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मैं आपके साथ नहीं आना चाहता। हमारा मकसद था एटलांटिस को जिंदा करना, पर अब आप उस मकसद को ही नहीं बल्कि इस दुनिया को भी बर्बाद करने की बात कर रहे हैं मास्टर बकेम। हाँ? क्या बोल रहे हो? धरती के इंसानों ने हमारे पूर्वजों को खत्म कर दिया, हम उन्हें कैसे माफ कर सकते हैं? हाँ, जानता हूँ, लेकिन अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी उनके जैसे ही बन जाएंगे जिन्होंने एटलांटिस को तबाह कर दिया था। ये देख कर क्या हमारे सूरज भले खुश होंगे? बताइए, जवाब दीजिए। हीलियोस, ये तुम क्या कह रहे हो? चुप क्यों है? जवाब दीजिए ना मास्टर बकेम। सूरज बलि जो भी सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर बकेम, ठीक है हीलियोस, अगर उन्होंने हमारे पूर्वजों को खत्म किया तो तुम क्या करोगे, ये जरा बताओ मुझे। उनका कहना बिल्कुल सच निकला। एटलांटिस जो पहले से विकसित था वो और भी विकास चाहता था और ओरी हाल्कन की ताकत उसमें बाधा थी, जिसकी वजह से ओरी हाल्कन की शक्ति काबू से बाहर हो गई। चारों तरफ तबाही मच गई और एटलांटिस बर्बाद हो गया। सूर्यदेव, लेकिन आपने तो मुझसे बचपन में कहा था कि एटलांटिस को बर्बाद करने के पीछे दुष्ट पापी इंसानों का हाथ था। मैंने झूठ कहा था ताकि तुम ओरी हाल्कन की ताकत वापस ला दो और पेगासस से शक्ति छीन लो और एटलांटिस को खड़ा करने में मदद कर सको, इसीलिए मैंने झूठ बोला। मतलब आज तक आपने जो कुछ कहा वो एक झूठ था, एक फरेब था। याद आ गया, एक रात पेगासस मेरे सपने में आया था और वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं हीलियोस से लड़ता हूँ तो कोई मुसीबत नहीं टलने वाली, बल्कि उसने कहा मुसीबत और बढ़ जाएगी। इसलिए मैं सोचूं ये क्यों हुआ। क्या कहा? तुम किस बदले की बात कर रहे हो और एटलांटिस को आखिर क्यों खड़ा करना चाहते हो? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? तुम चाहे कुछ भी कह लो, बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चाहो तो इस धरती के अंदर खुद को समाता हुआ देख सकते हो। छोड़ूंगा नहीं। झूठ है। धरती के पास जो प्लैनेट अरोनिस आने वाला था उसने अपना रुख बदल दिया है और वो शायद अब धरती से टकराने वाला है, और साथ ही साथ अद्भुत शक्तियों ने भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं जानता हूँ ये सब सिर्फ ओरी हाल्कन की वजह से हो रहा है। आखिरकार जिस बात का डर था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सही कहा। हट जाओ, हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। लेट इट रिप। ये क्या हो गया?
जिंगा। जाओ जिंगा, उसे जाने मत देना। जाओ उस स्पेसशिप को रोको। उससे क्या होगा? तुम अपने पेगासस की शक्ति से एडोनिस प्लैनेट को टकराने से रोक सकते हो, फिर देखो धरती बच जाएगी। सही कहा तुमने। एक काम करो, तुम सब यहाँ रुककर इन्हें संभालो और मैं जाकर दुनिया को बचाता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो अच्छा आइडिया है, तुम जाकर अपना कमाल दिखाओ जिंगा। रुक जाओ, मत जाओ तुम। कोई हमें इसे बचाओ, मुझे बचाओ। हम स्पेसशिप को काबू में करने वाले हैं, जल्दी करो। तुम चले जाओ, इन सबको हम देखते हैं। हाँ तुम जाओ जिंगा। सब अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। ठीक है, अब जल्दी जाओ। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हीलियोस, चलो मेरे साथ जिंगा। हाँ, सिर्फ पेगासस के विंग्स की शक्ति काफी नहीं होगी, मेरी भी जरूरत पड़ेगी। तुम भी चलोगे? कहाँ जा रहे हो? ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं किसी भी कीमत पर अडोनिस को धरती से टकराने नहीं दूंगा। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो धरती को बचा पाएंगे। हमारा जो मकसद है हम उसे पूरा करके रहेंगे हीलियोस। ठीक है, चलो पकड़ो उन्हें। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। लिब्रा, लास्ट जजमेंट, इन्फर्नो अटैक। बढ़िया, तुम सबने देखा ना मेरा कमाल। मधुका, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जाकर स्पेसशिप को कंट्रोल करता हूँ, तुम मेरी मदद करो। ठीक है। रुक जाओ। अगर मुझे रोका तो मैं बख्शूंगा नहीं। हम स्पेसशिप तक जाकर रहेंगे चाहे जो हो जाए। मास्टर बकेम, प्लीज धरती को बर्बाद करने की जिद छोड़ दीजिए। हीलियोस, क्या तुम मुझे और अपने देश एटलांटिस को धोखा देना चाहते हो? खुद तो जिंदगी भर बस मुझे धोखा देते रहे और अब वफादारी की बात कर रहे हैं। तुमने सही कहा, तुम्हारी वजह से हमारे नए एटलांटिस का सपना पूरा होगा। तुम अब चाहे जो भी कर लो, होने को नहीं टाल सकते और अब जल्द ही एडोनिस प्लेनेट धरती से आकर टकराएगा। ऐसे कैसे टकराएगा? मैं हूँ ना, मैं रुकूंगा उसे टकराने से। ये लो। ओ नो। अरे ये क्या? ये है मेरा डार्क पोसाइडन, इसमें एटलांटिस के रक्षक महाकाल की ताकत है। तुम दोनों को मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाने दूंगा। अरे नहीं, अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमारे पास उसे लड़ने का वक्त नहीं है। उसे रोकने का कोई तरीका सोचो। एडोनिस प्लेनेट धरती से टकराने के लिए पास आ रहा है। अब चाहे कुछ भी कर लो, तुम बर्बादी को रोक नहीं पाओगे। हीलियोस, तुम्हें कुछ नहीं होगा जिंगा, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। वक्त आ गया है, दुनिया को खत्म होने से पहले मैं तुम दोनों को पाताल भेज देता हूँ। हीलियोस, मुझे छोड़ दो और उसे रोको। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जिंगा? अगर मुझे पकड़े रहोगे तो दोनों के दोनों नहीं बच पाएंगे। तुम जाओ और दुनिया को बचाओ, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। हम साथ में जाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे। ये क्या? ये किसने किया? लियोनी, तुम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? जाओ जिंगा, दुनिया बचाओ। क्यों यार? तैयार हो जाओ, अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। ध्यान से सुनो बच्चे, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। टांग तो तुम हमारे काम में अड़ा रहे हो। जिंगा, स्पेसशिप में जाकर एडोनिस प्लैनेट को टकराने से रोको। हाँ ठीक है, शुक्रिया क्योयो। रुक जाओ। खोलो। जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। रुको, बस सेटिंग्स हो ही गई है, मैं इसे पूरा कर दूँ। उम्मीद करती हूँ कि वो दोनों शिप में पहुँच ही गए होंगे। हमला करो। तुम मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं हो बच्चे, चूर चूर हो जाओगे।
उसे छोड़ो मत पोसाइडन। लियोने अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। उसे तहस तहस कर दो। अब देखो मेरा सवाल। लियोने जाओ। क्यों यो? जल्दी चलो। आ तो गए लेकिन हमें इसे चलाना तो आता ही नहीं है। अच्छा हुआ हुँ? तुम दोनों सही सलामत यहाँ पहुँच गए। मधुका तुम? मैं बस इसे लॉन्च करती हूँ, फिर ये शिप तुम्हें एडोनिस तक पहुँचा देगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम धरती को बचा लोगे जिंगा। हाँ हम पर भरोसा रखो। सुनो मधुका। हाँ, क्या हुआ? जब मैं वहाँ वापस आ जाऊँगा ना तब हम घूमने जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं मधुका। हाँ मैं साथ चलूंगी। हम लॉन्च के लिए तैयार हैं। 30 सेकंड बचे हैं। ओह स्पेसशिप, वहां क्या देख रहे हो? अब तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। ये देखो मेरा कमाल। ये क्या? लॉर्ड लव वायलेंट बुलेट अटैक। ये नहीं हो सकता। तीन, दो, एक, शुरू कर रही हूँ। हम पहुंच गए। चलो जिंगा चलते हैं। हाँ ये तो बहुत बड़ा है, क्या हम इसे तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। यार इसका नहीं। प्लीज पेगासस मदद करना। जिंगा अगर हम दोनों यहाँ से सही सलामत बचकर निकल पाए तो हम हमेशा अच्छे और पक्के दोस्त बनकर रहेंगे। अरे ये तुम क्या कह रहे हो, हम दोनों तो पहले से अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों पक्के दोस्त हैं और हमेशा ही रहेंगे। तुम्हारे सॉल ब्लेज और मेरे पेगासस की मदद से हम दुनिया को बचाएंगे। तुम्हारे शक्तिशाली पेगासस की मदद से और मेरे सॉल ब्लेज की मदद से हम दोनों मिलकर इतिहास रचेंगे। ठीक है चलो करते हैं जिंगा। हाँ चलो चलते हैं। 3, 2, 1 काम नहीं बन रहा। बन गया।
देखिए। आखिरकार उन्होंने दुनिया को बचा ही लिया। ये! 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 तुमने कर दिया जिया। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे बॉस अब तुम्हें डांटने वाले हैं। मुझे जवाब दो जिंगा, जिंगा, तुम मुझे सुन पा रहे हो? मुझे जवाब दो प्लीज। मैं ठीक हूँ मधुका, हमने कर दिखाया। जिंगा, तुम ठीक तो हो ना? मैं डर गई थी। अब हम पक्के दोस्त हैं, है ना हीलियोस? हमेशा के लिए दोस्त। जरा देखो तो जिंगा, कितना खूबसूरत नजारा है। वाह, मुझे सबको दिखाना है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जो इतने सुंदर प्लेनेट को खत्म करने चला था, पर अब तुम्हारी वजह से ही हमने धरती को नष्ट होने से बचा लिया। तो अब चलते हैं मेरे दोस्त वापस हमारी धरती पर। हाँ, वापस चल के एक एक मुकाबला हो जाए। हाँ जरूर। ब्लेड खेलते हैं। हम मिलकर दुश्मन को हराए, चल गई घर घुमाए। डरना नहीं कभी, चाहे कोई मुश्किल आ जाए, चाहे आसमान में काले बादल छा जाए। आएगी नई सुबह फिर से, निकलेगी नई धूप फिर से, देख लेना जल्दी आएंगे खुशियों के हमारे दिन फिर से। हम मिलकर दुश्मन को हराए, चल गई भेद घुमाए, आधी उसी तूफानों से भी लड़ जाए, चल गई भेद घुमाए, एक नई दुनिया। झुकना ना कभी तू, हर मुश्किल से है लड़ना, किसी से भी कभी ना तू घबराना, खुद को हमेशा ये समझाना, मत ना दिखे तो रास्ते तुम खुद ही फिर से बनाना, बढ़ते जाना। हम मिलकर दुश्मन को हराए, चल गई भेद घुमाए, आधी उसी तूफानों से भी लड़ जाए, चल गई भेद घुमाए, एक नई दुनिया। कुछ भी हो जाए दोस्त, तो छोड़ेंगे ना हम, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्त तो काफी।